नमस्कार, स्वागत है आपका केगीआर न्यूज में। हूँ आपके साथ कंचन सिंह राज। तो ये शुरुआत करते हैं खबर की। संयुक्त मोर्चा जिला सीहोर ने आज मुख्यमंत्री के नाम सीहोर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गुरुजी वर्ग के शिक्षकों ने ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से यहाँ गुहार लगाई है कि उनको गुरुजी वरिष्ठता का आदेश जल्द से जल्द जारी करे, वरना कोई बड़ा आंदोलन करने को अग्रसर रहेंगे। गुरुजी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर आयोजित अध्यापक सम्मेलन में शिक्षा विभाग के साथ ही गुरुजी वर्ग के शिक्षकों की नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देने की घोषणा की थी, लेकिन 4 साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक गुरुजी वरिष्ठता के आदेश जारी नहीं किए गए हैं। वरिष्ठता के अभाव पर गुरुजियों को वो कर्मोन्नति की पात्रता होने के बावजूद भी अभी तक प्रशासन द्वारा कर्मोन्नति नहीं दी है, जो कि कर्मचारी हितों का हनन है। गुरुजी वरिष्ठता का आदेश जल्द से जल्द जारी करें, वरना हम लोग बड़ा आंदोलन करने को अग्रसर रहेंगे और इसका परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। सीहोर से खालिद खान की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम लखन सिंह मालवी है, मैं सीहोर जिले से हूं। गुरुजी, क्या ज्ञापन दिया आपने? सर, हम जो लोग हैं गुरुजी लोग, सन लगभग 1999 को ही 1995 से कार्यरत हैं, 95 से लगा के 99 तक हम लोगों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता नहीं गई है। मेरी समझ में नहीं आता आज तक शासन के इतिहास में ऐसा शायद कोई सा ही गुरुजी के अलावा पद रहा होगा जिसको नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता नहीं गई होगी, दी गई होगी। जो जब से नियुक्त है, जो जब पैदा हुआ है, तभी तो उसकी नियुक्ति दिनांक मानी जाएगी, बीच में कैसी मान ली जाती है? और इस नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता ना देने के कारण, इसके अभाव में हम लोग जो हैं, हमारे साथ के जो लोग काम कर रहे हैं उससे लगभग 15,000 से 18,000 रुपये कम मासिक वेतन में काम कर रहे हैं, जबकि उनके बराबर काम कर रहे हैं। हमें किस कारण सजा दी जा रही है? जबकि हम समझते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, हम उनके गृह जिले के निवासी हैं, हमारे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों? हम माननीय मुख्यमंत्री जी को 21 जुलाई 2018 को जो उनने घोषणा की थी, उनको याद दिलाने के लिए कि गुरुजियों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाएगी, याद दिलाने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम माननीय से कर जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन कर रहे हैं कि हमारी वरिष्ठता दी जाए, नहीं तो आप आंदोलन की चेतावनी। सर, अगर ये हमारी नहीं हुई तो हम हाथ जोड़ के कर रहे हैं, हम आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे 30 सितंबर के बाद। कभी भी गुरुजी संयुक्त मोर्चा अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए बाध्य होगा। मध्य प्रदेश में लगभग 39,000 गुरुजी थे, उनमें से कुछ लोग रिटायर हो गए हैं। आज की डेट में भी लगभग 32,000 गुरुजी हैं। अच्छा, ये बताइए कि पहले से भी आप संघर्ष कर रहे हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी? सर, पहले से हमने कांग्रेस की सरकार थी जब संघर्ष किया था। हम 1,000 रुपये महीने से चालू हुए थे, उनने हमारे 2,500 कर दिए थे। उसके बाद में जैसे ही भाजपा सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री जी आए, तो हमने सोचा कि जैसा उनने कराया ये भी करेंगे। हमने थोड़ा बहुत आंदोलन किया और बंद कर दिया। हमने लगभग 20 साल इनके रास्ता देखा। अब क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये लास्ट है, इसलिए हमें मजबूरन सीहोर जिले के गांव खेड़े से आकर यहाँ कलेक्ट्रेट में इकट्ठा होना पड़ रहा है, ये हमारी मजबूरी है। विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, इसमें इफेक्ट पड़ेगा अगर आप लोगों को नहीं हुआ तो? सर, बिल्कुल पड़ेगा सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सरकार खुद अपनी बदनामी करवाना चाह रही है। हम अभी सरकार के साथ हैं, सरकार विश्वास रखे, सरकार हमारा साथ दें, हमारी मांगे पूरी करें जो जायज है। उन्होंने घोषणा की है सर, दिग्विजय सिंह जी का अपने भाषण में बोल रहे थे, दिग्विजय सिंह जी को हमने धूल चटाई है, मतलब तो क्या था सर? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं शिक्षा विभाग से हूं, मैं आपको कबीर साहब का एक दोहा सुनाना चाहता हूं। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है और घड़घड़ काटे कोट, अंतर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी तो इस दोहे को हम साकार करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल बनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।